हेलो फ्रेंड्स, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द आने वाला है। वैसे तो मतलब साइट में आ गया, लेकिन टेंटेटिव कहा जा रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है कि अक्टूबर को फिजिकल होगा, लेकिन वैसे आने का आ गया है। तो हमको लगता है कि बहुत जल्द ही कराया जाएगा शायद। मैं इसके लिए और मतलब फिर से एक बार जानकारी देते रहा। 10 किलोमीटर का रनिंग है, 1 घंटा का समय है, और आपको मतलब मैं क्या कहूँ कि मतलब एक तरह तरीका से 10 किलोमीटर का रनिंग मतलब पेशेंस बनाना पड़ेगा, पेशेंस रखना होगा आपको। देखिए, हमको लग रहा है झारखंड में अगर रनिंग हो तो शायद हमको लगता है या फिर एक ग्राउंड में किया कराया जाएगा, फिर एक है चैमासा उधर साइड का, उसी के पीछे तरफ पड़ता है चैमासा, उधर कराया जाएगा। तो या फिर और तो हमको नहीं लगता है कोई जगह इसका फिजिकल टेस्ट हो। और अगर ठीक है, फिजिकल का बात कर लिए, अगर मान के चलिए हम लोग एग्ज़ाम का बात करें, तो अगर मान के चलिए आप रनिंग फिट रनिंग कर गए, एग्ज़ाम का बात आता है, रनिंग मेडिकल सब चीज़ें, मतलब मेडिकल तो नहीं, मेडिकल तो बाद में होगा तो मुझे क्योंकि पता नहीं है। और एग्ज़ाम के बाद 10 किलोमीटर के रनिंग के बाद आपको पुशअप पुशअप कुछ कराया जा सकता है, और उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, मेडिकल आएगा। लेकिन मैं तो बता दे रहा हूँ कि टोटल वैकेंसी है आपका 583, 583 वैकेंसी, जिसमें जनरल का 237 है, बाद बाकी हम लोग तो ईबीसी में आते हैं जिसका 50 है, एसटी का 148 वैकेंसी है, और आपका आप एक तरह से कह सकते हैं कि और किन का वैकेंसी, लगभग वैकेंसी तो ठीक है ठाक है, मतलब लेकिन थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर देखना चाहेंगे लैंग्वेज पेपर में, तो पहले तो आपका लैंग्वेज पेपर होगा हिंदी 80 मार्क का, इंग्लिश 40 मार्क का, 120 का लैंग्वेज पेपर होगा। लैंग्वेज के बाद पेपर 2 में आएगा आपका कोर लैंग्वेज, मतलब कोर लैंग्वेज में आप जैसे कि बोल सकते हैं, कोर लैंग्वेज में आपका आएगा ई आएगा, कोर लैंग्वेज नहीं, आपका लोकल लैंग्वेज में आपका कुड़माली हुआ, हो हुआ, संताली हुआ, ये सब आएगा। लेकिन हिंदी और इंग्लिश वो सबको देना है, वो 120 मार्क का आएगा, 80 मार्क का हिंदी और 40 मार्क का इंग्लिश। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, वो चीज़ आप देखिएगा तो फिर आपका ये तो निकलेगा ही वैसे। लेकिन 583 वैकेंसी है, तो फिर तो झारखंड स्टेट के लिए तो बहुत बढ़िया है। आप लोग अगर फॉर्म फिल किए हैं तो हम तो सुनने में आया, कितना वैकेंसी अप्लाई हुआ तो पता नहीं है, लेकिन सुनने में आया शायद कहता तो बहुत कोई 3-4 लाख हुआ है। अब कंफर्म तो नहीं है क्या है क्या नहीं, उतना तो हमको पता भी नहीं है कि कितना है क्या नहीं, लेकिन अगर तैयारी है, पेशेंस है, तो फिर तो बढ़िया बात है। क्योंकि मतलब बोला जाता है हम लोग का एक देसी भाषा में कि जो पढ़ने वाला दौड़ने नहीं सकता है, ये कहा जाता है। तो फिर देखिए, इसमें टक्कर होगा तो मीडियम मीडियम लोग जो हो गए, जो एवरेज लोग हैं, वही लोगों का टक्कर होगा। तो फिर आप लोग अगर तैयारी बढ़िया से करते हैं, बहुत फीमेल का तो रनिंग का मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत फीमेल भी डाली हैं एक्साइज पुलिस में, तो आप उसको एक बार देखिएगा झारखंड स्टेट का कि आपका रनिंग कितना है। मुझे तो पता नहीं है, बस मेल का पता है, मतलब 10 किलोमीटर रनिंग है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करने के बाद इसका रनिंग का डेटा, मतलब रनिंग का तो डेट लगभग लगभग आ ही चुका है। अक्टूबर तो लिखता है, लेकिन टेंटेटिव लिखता है, लेकिन अक्टूबर में तो आ गया, लेकिन अक्टूबर में अभी दिवाली है तो हमको नहीं लगता होगा, नवंबर दिसंबर तक जा सकता है। तो आपको आप लोग इस चीज़ को देखिएगा बढ़िया से, किस टाइप से होगा क्या होगा। और जितने भी कोई एक आया था 2021 में वैकेंसी SSB पुलिस, अगर उसका डालें तो जिसमें 115 पोस्ट था, उसका भी हमको लगता है कि SSC GD का मेडिकल कंप्लीट हो गया, तो फिर उसका भी वैकेंसी आना, वैकेंसी नहीं, उसका भी एग्ज़ाम नहीं, उसका रनिंग होना भी, उसका हमको लगता है कि यही कुछ मंथ बाद शेड्यूल किया जाएगा। तो इसीलिए आप उसको भी एक तरीका से ध्यान दीजिएगा, SSC पुलिस को, तो उसको ध्यान दे के रखिएगा तो फिर तो बढ़िया होगा। ध्यान अगर दीजिएगा तो उसको, उसमें अगर फोकस कीजिएगा तो फिर तो बढ़िया बात है, सही बात है। और SSB पुलिस में जिसमें 165, हाँ 165 या 68 हाइट है, जिसका 2021 में अगस्त मंथ में फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक उसका फिजिकल नहीं हुआ है, उसका फिजिकल ही कुछ दिन में होने वाला है। और अभी तो फिलहाल मतलब
मिलिट्री पुलिस का जो वुमेन का था उसका तो शायद रनिंग चल रहा है अलग अलग स्टेट में, झारखंड का तो शायद यही अक्टूबर में, कि मुझे माइंड में नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड तो जितका जितका आना था वो आ गया है, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा गया था इस बार, तो उस चीज़ को आप लोग देखिएगा एक बार कैसे है, क्या है, क्या नहीं करना है। और अगर कुछ है और आप चाहते हैं कि कौन सा किताब लें, तो अगर हिंदी इंग्लिश तो आपको देखिए, हिंदी इंग्लिश में आपका तो इंग्लिश 40 मार्क का है, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो 40 मार्क का, जिसका हिंदी अच्छा है 80 मार्क का है, वो बढ़िया है, बढ़िया चीज़ है। तो आप लोग उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे है, क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उसको सोच के देख के आप बढ़िया से उसको एनालिसिस करके बढ़िया से बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पेपर 2 में तो आपका खुद का लैंग्वेज है, तो देखिए खुद का लैंग्वेज में तो लगभग लगभग सबको एक्सपर्ट होता ही है, लेकिन उसको किस टाइप से करना है, किस टाइप से पेश करना है, बड़ा बात यह है। और हमको लगता है लैंग्वेज पेपर में शायद रिटन एग्जाम होगा, और मतलब एक नंबर जो मतलब पहला पेपर होगा वो शायद ओमार बेस में होगा, मुझे कन्फर्म तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरा जहन में यही है किस टाइप से होने वाला है झारखंड एक्साइज पुलिस का। तो आप इस चीज़ को देखिएगा बढ़िया से किस टाइप से है, क्या है। और रनिंग का डेट तो अक्टूबर का आ गया है, लेकिन अब पता नहीं कैसे है, क्या है, मैं तो बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन अक्टूबर तो टेंटेटिव डेट में अक्टूबर दिखा रहा है, अब तो पता चल ही जाएगा कब आएगा, क्या आएगा। तो ठीक है, मुझे यही चीज़ यही बोलना था, मुझे जानकारी देना था, तो अब इस जानकारी को और अगर सिलेबस का तो लगभग बात हो गया, वैकेंसी लगभग बात हो गया, सिलेबस वैकेंसी हो गया, और तो लगभग सब चीज़ बात हो ही गया है। और रनिंग का बोल रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि 10 किलोमीटर तो यहाँ है नहीं, और 1 घंटा का समय दिया है, तो मतलब आपको कम से कम 1 घंटा तक दौड़ना के मतलब CRPF CISF ये लोगों का डबल दौड़ना है, ये लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ता है और हम लोग को दौड़ना है, मतलब आप लोग को भी जिन जो जो डाले हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, CISF को समय मिलता है 23 मिनट, और हम लोग को मिल जाएगा 1 घंटा, मतलब समय बहुत है, पेशेंस रखिएगा तो फिर होना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा ओनली, और कुछ नहीं है, पेशेंस का सब चीज़ खेल है, पेशेंस अगर रखते हैं तो फिर तो आपका होना ही है, नहीं होगा बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर आप बढ़िया से करते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, बढ़िया से दौड़ते हैं, ये करते हैं, तो फिर तो इसमें तो ज़्यादा हाइट का मांग नहीं किया गया है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि अप्लाई तो इसमें शायद बहुत ही ज़्यादा हुआ था, जहाँ तक हमको लगता है। और देखिए अभी तक तो जैसे CGL का भी मतलब उनका भी तो एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, और अब देखिए क्या होता है, और पता नहीं अभी तो झारखंड में मतलब जितने भी OBC मतलब OBC में जो कुर्मी जाति आता है उन्हें अभी ST में शामिल करने का प्रस्ताव तो पास हो चुका है, झारखंड में तो जो हो ही चुका है, अभी सेंट्रल में आने के लिए उसको समय लगेगा, तो उसके बाद आप लोग मतलब जितने भी OBC कैंडिडेट हैं कुर्मी जनजाति के, वो ST का आप लाभ उठा सकते हैं, वो लाभ उठाएंगे उस चीज़ का, तो फिर वो तो फिर ऐसे में एक तरह से देखिएगा तो फिर मतलब जितना OBC का अलग सीट रहता है वो चल जाएगा ST में, तो ST को भी छूट, मतलब अगर OBC है तो वो ST में जाएंगे तो छूट भी उसको उतना मिलेगा ही, वो मिलना ही है, उतना छूट तो मिलता ही है, और यही चीज़ है, सब चीज़ है। और मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ, रनिंग अगर स्टार्ट कीजिएगा 10 किलोमीटर तो पेशेंस नहीं छोड़िएगा, पेशेंस बना कर रखिएगा तो फिर आपका सिलेक्शन होना ही है, और पेशेंस अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, पेशेंस बना कर रखिए, सिलेक्शन होना है तो होना है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 किलोमीटर तक दौड़ना है तो दौड़ना है, अगर बीच में हौसला टूट भी जाता है तो दोबारा उठ के दौड़ना है, लेकिन मुझे दौड़ना है तो दौड़ना है, ये पेशेंस बना कर रखिए तो फिर